दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 की एक बहुत ही सुपर डुपर हिट हॉलीवुड मूवी जिसका नाम द इनविजिबल मैन 2 है, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उसे देख ले, उसके बाद ही आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नताशा है। वो एक कमरे में बंद है और नताशा माइकल की वही बहन है जिसे माइकल की मॉम पार्ट 1 में ढूंढ रही थी। तभी उस रूम में एक अजीब सा आदमी आता है। वो जैसे ही नताशा की तरफ बढ़ने लगता है उसमें आग लग जाती है। वो आग नताशा ने ही लगाई थी क्योंकि उसके पास भी अपने फैमिली की तरह सुपर पावर थी। वो आदमी वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फिर नताशा वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। वहाँ के कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद नताशा एक गुफा में जा छुपती है। लेकिन वो सारे लोग उसे पकड़ने के लिए वहाँ भी पहुँच जाते हैं। वो लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त इनविजिबल मैन वहाँ आ जाता है और उन लोगों की खूब धुलाई करता है और नताशा की जान बचा लेता है। अब हम माइकल को देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे कॉल करती है, मगर माइकल अपनी मॉम को इग्नोर करता है और ठीक से उनसे बात भी नहीं करता। ये बात उनकी मॉम को बहुत बुरी लगती है। उस वक्त वो कार चला रही होती है और उनका ध्यान माइकल की तरफ ही होता है और इसी वजह से माइकल की मॉम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन इस बात को गुजरे 3 साल हो चुके हैं। अब माइकल काफी बड़ा और समझदार हो चुका है और उसे आज भी इस बात का दुख है कि उसकी मॉम की डेथ उसकी वजह से हुई थी। वो अपनी मॉम के कब्र पर सोया हुआ होता है। अब हमें वो लड़की भी दिखती है जिसे माइकल बेहद पसंद किया करता था, जिसका नाम स्टीला है। पार्ट 1 में उसकी जान माइकल ने बचाई थी, मगर अब उसे कुछ याद नहीं होता है क्योंकि मूवी के एंड में माइकल के फादर ने सबकी मेमोरीज इरेज कर दी थी। लेकिन माइकल का दोस्त स्टीला से कहता है कि उसकी जान उसने ही बचाई है, तो स्टीला माइकल के उस दोस्त को पसंद करने लगती है, ये सोचते हुए कि शायद उसकी जान बचाने वाला माइकल का दोस्त ही है। ये सब देख कर माइकल को बहुत जलन होता है, लेकिन आज तक माइकल ने इन दोनों से कुछ नहीं कहा। एक दिन माइकल के स्कूल में एक नई बच्ची का एडमिशन होता है जो कोई और नहीं बल्कि माइकल की अपनी बहन नताशा होती है। नताशा कभी भी क्लास में किसी से बात नहीं करती है, हमेशा चुपचाप रहती है। एक रात सब लोग पार्टी में जाते हैं, वहाँ नताशा को एक लड़का तंग करने लगता है, तभी वो उसे मारने की धमकी देती है। माइकल स्टीला को अपने दोस्त के साथ देखता है और वो आज भी यही सोचता है कि उसकी जान उसके दोस्त ने बचाई है। ये बात माइकल को बर्दाश्त नहीं होती और वो स्टेज पर चला जाता है और कहता है कि अगर मेरे दोस्त ने तुम सबकी जान बचाई थी तो मुझे वो स्टोरी सुनाओ कि तुमने सबकी जान कैसे बचाई, हम लोग तुम्हारी बहादुरी को सुनना चाहते हैं। तो वो लड़का कहता है, नहीं मैं अभी क्या सुनाऊं। तो माइकल कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम आज तक सबको झूठ बोलते आ रहे हो। तो वो लड़का चाहता है कि उसका राज सामने आए, फिर वो वहां से स्टीला को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी माइकल स्टीला को रोकता है और कहता है, रुको मैं तुम्हें अपने पावर्स दिखाता हूँ, उस दिन तुम्हारी जान उसने नहीं बल्कि मैंने बचाई थी। इससे पहले कि वो अपनी पावर्स दिखा पाता, उसकी बहन नताशा वहां आग लगा देती है और सारे लोग भागने लगते हैं और माइकल अपनी पावर दिखा ही नहीं पाता। नताशा ने शायद इसलिए आग लगाया था ताकि उसके भाई के पावर्स किसी के सामने ना आए। उसके बाद नताशा माइकल के सर पर मारकर बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को नताशा के पास पाता है, जिसके बाद नताशा उसे बताती है, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ और क्या तुम भूल गए, हमें अपने पावर्स को किसी को सामने दिखाने से मना किया गया है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ मौजूद थी और वहाँ चुपके से आग लगा दी और किसी को पता भी नहीं चला, वरना तुम तो अपनी पावर सबके सामने दिखाने ही वाले थे। माइकल कहता है, तुम्हें उससे क्या। माइकल अपनी शर्ट पहनने लगता है, तभी नताशा उसके शर्ट में आग लगा देती है। तो माइकल ये देख कर चौंक जाता है, इसके अंदर ये पावर कहाँ से आया, आखिर ये लड़की है कौन। तभी इन दोनों की रियल मॉम वहाँ आ जाती है और माइकल को बताती है कि ये तुम्हारी वही खोई हुई बहन है। फिर वो अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों के अंदर जो पावर्स आई है वो हमारे वजह से ही। लेकिन माइकल को उनकी बातों का यकीन नहीं होता कि ये उसकी रियल मॉम और नताशा उसकी बहन है।
फिर वो गायब होकर दिखाती है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगता है। माइकल को अब यकीन हो जाता है। फिर वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पावर्स को हद से ज्यादा यूज मत किया करो, वरना आप और बीमार पड़ती जाओगी। अब नताशा अपनी मदर को ब्लड डोनेट करती है। माइकल की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर को एक बहुत बुरे आदमी ने किडनैप कर लिया है और हमें मिलकर उन्हें बचाना होगा। वो बताती है कि वो गैंगस्टर अब हमारी कंट्री आ रहा है, तो जैसे वो हमारी कंट्री में आएगा हमें उन्हें बचाना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास में सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी और वो हमें ऐसा करने से रोकेगा। और माइकल की मॉम माइकल से कहती है कि बस तुम्हें सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइकल उन बदमाशों के लैपटॉप से सिक्योरिटी प्लान चुरा कर अपने USB में कॉपी कर लेता है, जो कि उसकी मॉम ने करने को कहा था, जिसके बाद उसकी माँ काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। नताशा अपने भाई को बताती है कि जहाँ मैं पहले रह रही थी वो लेडी बहुत अच्छी थी, मगर उनके डेथ के बाद उनके बेटे ने मुझसे बहुत मिसबिहेव किया, जिसके बाद मैं अपनी जान बचाते हुए यहाँ आ गई। सच कहूँ तो मुझे यहाँ मॉम लेके आई है। फिर नताशा अपनी उंगलियों से आग निकालकर सिगरेट जलाती है और उसे पीने लगती है। अब तीनों एक साथ रहने लगते हैं और इन दोनों की मॉम भी बहुत खुश होती है। अब वो लोग सब साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं और अपनी बचपन की यादों को याद करते हैं। माइकल की मॉम अपने पिछले यादों को याद करने लगती है, जिसमें वो रसिया में थी और उन्हें किडनैप करके वहाँ ले जाया गया था। वो लोग उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते थे जिनके पास सुपर पावर्स होती थी, उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक भी देते थे ये देखने के लिए कि उनके पावर्स बढ़ती है या घटती है। लेकिन एक दिन सारे लोग किसी तरह वहाँ से भाग गए, जिसमें माइकल की मॉम भी शामिल थी। इससे पहले कि वो लोग गैंगस्टर से बदला ले पाते, वो हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचाकर भाग गया और सभी के साथ वो डॉक्टर भी वहाँ से बचकर भाग गया। वो डॉक्टर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो कि दुनिया में कोई न्यूक्लियस चेंजेस की वजह से कुछ लोगों में भी चेंजेस आए थे। उसके बाद उनके पास पावर्स आ गई, लेकिन जो लोग फर्स्ट जनरेशन के थे उनके साथ एक प्रॉब्लम था कि वो जितना अपने पावर्स को यूज करेंगे वो उतना ही वीक होते चले जाएंगे। डॉक्टर नताशा और माइकल के DNA मिला के वो चीज बना ही लेता है, जिससे कि फर्स्ट जनरेशन के लोग वीक हो जाते हैं, वो अब वीक नहीं होंगे। ये बात सुनकर नताशा की मॉम बहुत खुश होती है। उसके बाद माइकल इनविजिबल होकर एक बिल्डिंग में जाता है। उसकी मॉम मीटिंग कर रही होती है कि अब वो गैंगस्टर जल्दी ही आने वाला है और वो जिस जगह में मीटिंग करेगा वहाँ शहर के सब जगह के गैस पाइपलाइन जुड़ी है। नताशा की मॉम का प्लान है कि वो नताशा की मदद से उस पाइप में आग लगा देगी और वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे वो गैंगस्टर मर जाएगा। ये सब बातें माइकल सुन रहा होता है। माइकल ये सारी बातें जाकर अपनी बहन को बताता है, लेकिन वहाँ उन दोनों की मॉम भी आ जाती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अगर हम ये प्लान कर रहे हैं और अगर हम गैंगस्टर को मारने वाले हैं तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तभी माइकल कहता है, नताशा अभी छोटी है, उससे मर्डर करवाएंगे। उसकी मॉम कहती है, बेटा सॉरी, मुझे अब तुम्हें कैद करवाना होगा क्योंकि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। वो लोग माइकल को कैद करके एक कमरे में बंद कर देते हैं। माइकल अपनी माँ से कहता है, इससे क्या फायदा होगा, नताशा के साथ साथ आपको भी तो अपनी पावर्स यूज करनी होगी, उसके बाद आप वीक हो जाएंगे। उसकी माँ कहती है, नहीं, अब नहीं, डॉक्टर अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद वो एक बहुत बड़े टैंकर के अंदर जाती है जिसमें कोई केमिकल होता है। डॉक्टर अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो बाहर आती है तब वो बहुत ही यंग और हेल्थी हो जाती है और अब उनमें ये पावर्स भी आ जाते हैं कि जितना भी अपने पावर्स को यूज करे वो वीक नहीं होंगी। माइकल को जहाँ पे बंद किया होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, वो माइकल के फादर ही होते हैं। वो कहते हैं, बेटे घबराओ मत, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे भी तुम्हारी माँ ने ही यहाँ कैद करके रखा है क्योंकि मैं भी उनके इरादों को जान गया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही यहाँ से आजाद हो जाएं। फिर माइकल के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी असली माँ बहुत बुरी है और तुम्हारी वो मॉम जिसने तुम्हें पाला था उनका कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इसने ही उसे खाई से गिराकर मार दिया था। ये सब सुनकर माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ की दीवार टूटने लगती है और माइकल के फादर वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा वहाँ चले जाते हैं जहाँ माइकल की माँ होती है।
माइकल इनविजिबल हो जाता है और माइकल की मॉम और नताशा इस प्लान को पूरा करने में लग जाते हैं। अब वो लोग पाइपलाइन में आग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो लोग ऐसा करने ही वाले होते हैं कि इससे पहले माइकल के फादर वहां आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा मत करो, लेकिन माइकल की माँ नहीं सुनती और उनका एक आदमी माइकल के पिता को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसे माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी आदमी को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी स्कूल वैन को नीचे लाता है जिसमें स्टीला भी होती है, जिसे माइकल पसंद करता है, और उसके साथ और भी बच्चे थे। वो वैन को नीचे गिराने ही वाली होती है, लेकिन माइकल ऐसा होने नहीं देता और सब लोगों को बचा लेता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो लोग माइकल को स्टीला के जरिए उसे ब्लैकमेल करना चाहते थे। एक तरफ नताशा और माइकल की माँ होती है। नताशा पाइपलाइन में आग लगाने ही वाली होती है। तभी माइकल उसे दूर फेंक देता है, जिससे नताशा को चोट लग जाती है और वो गिर जाती है। फिर माइकल की माँ माइकल को हवा में उठा देती है और फिर नताशा को कहती है कि जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम वक्त है। मगर फिर माइकल उसी वक्त नताशा से टेलीपैथी यूज करके बात करता है और बताता है कि हम दोनों की माँ बहुत बुरी है और हमसे प्यार भी नहीं करती। वो बस अपने मतलब के लिए हमारे साथ थी और तुम्हें आग लगाने के लिए इसलिए बोल रही है ताकि वो सिर्फ उस आदमी से बदला ले सके। इसके अलावा उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, और तो और उन्होंने हमारे डीएनए को सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज किया। फिर नताशा अपनी माँ की मन की बात को पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि माइकल सच कह रहा है और वो अपने माँ के काम को अंजाम नहीं देती, जिसके बाद उसके माँ को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो खुद इनविजिबल हो जाती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है जिसमें आग जल जाता है और खुद उस पाइपलाइन को आग लगाने चली जाती है। तभी माइकल के फादर उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे लेकर सीढ़ियों से गिर जाते हैं। वो उसे पकड़े हुए होते हैं और फिर एक सार्ब पाइप के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि माइकल और नताशा के मॉम डैड का वहीं पर डेथ हो जाता है। ये सब देखकर स्टीला कहती है कि अब मुझे यकीन हो गया है, उस दिन तुमने ही मेरी जान बचाई थी और तुम टेंशन मत लो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये सब देखकर नताशा को बहुत बुरा लगता है कि उनके मॉम और डैड दोनों की डेथ हो गई है। फिर माइकल अपनी बहन को गले से लगाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर वो दोनों साथ में खुश रहने लगते हैं और एक आम जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और इसी के साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन